एक छोरा मेरे वर्गा, उसके भीतर में घमंड हो गया और अपनी माँ तो रजा कर बोले, माँ बोले हाँ बेटा, मेरे सर के ऊपर माँ बापू का जितना कर्जा है थोड़ी बेटा कितना हास्ता सारा तारूंगा। उसकी बात बोली रे बोले बेटे, ये बोली बोली बात करते सीख क्या आते, माँ बापू का कर्जे कर्जा कदे उतरिया गए। बोले मैं तारूंगा, मेरे मुंह से इतनी मत बोल के करना था। नवली बोले बेटे कोने तारा जागा, इतना आसान नहीं है माँ बापू का कर्जा तारना। नवली मैं तारूंगा माँ, तू एक हुक्म कर। नवली बेटा भगवान राम जैसे योद्धा इस धरती पर गजा लिए, जिसने बाप के एक इशारे पे 14 साल वनवास में काटे, उन पे माँ का कर्जा माँ बाप का कर्जा नहीं उतरा, तू कितने तार देगा। श्रवण कुमार जुनसा अपने माँ बाप ने तराजू में गाल के उस कावड़ में डाल के दोनों माँ बाप को 68 तीर्थ यात्रा कराने के लिए चलिया था, और बेटे वो भी बेचारा बीच में मर लिया, उस पर भी माँ बाप का कर्जा नहीं उतरा, तू कितने तार देगा। न बोले माँ इन पुरानी बातों ने छोड़, मेरे में सही मत मत तार दूंगा माँ बापू का कर्जा। इब उसकी माँ ने देख लिया छोर का भरम हो गया, इसका भरम दूर करना पड़ेगा। उसकी माँ ने बोली बेटा जे तू नहीं मानता तो लिया, जो मैं कहूंगी वो कर देगा। नोलिया माँ कर दूंगा। नोली बेहर एक काम कर भी बोला के, नोले देख शामी पड़ी है एक ईंट तने दिख है। नोलिया माँ दिख है, बोले अल्लाह बाज के नवा सब ईंट ठा के ले, कोई खास बात नहीं, 2-2.5 किलो की ईंट हो छोरा बाज के ईंट ठा लिया। नोलिया माँ इस ईंट का के करूं, तार के सिर पर था चुन्नी, नोली आंगन में बिछा ले, छोरा नवा चुन्नी आंगन में बिछा ली। माई के करूं बेटा इस ईंट ने इस चुन्नी के बीच में धर ले, लपेट ले इस चुन्नी गल, छोरे ने ईंट चुन्नी के बीच में धरी और वह चुंदड़ी उसके चुकर दल लपेट दी। माई के करूं, नवली बेटा ये काम कर, इस ईंट ने अपने पेट पर धर ले और पाछा गांठ मार ले, सारा दिन तना नू रहना, हर घर का सारा काम तन करना। नवले मैया की बात छोटी सी बात है कि मैंने खास बात मैं करती हूँ आई काम, तो इब छोरे ने पेट का ऊपर ईंट धर ली, पाछा गांठ मार ली, जेठ का भी न था पसीना तरड़ तरड़ आवे, बिजली भी नहीं उस दिन, और घर का सारा काम छोरन करना, किमे भी काम करो गुड्डिया कहीं चढ़ जा, दुखी हो गया पसीना पसीना परेशान। न्यूकस है 2 घंटे तो वहां ईंट अपने पेट के जुड़े रखी, जब तीसरा घंटा शुरू होया तो वहां ईंट खोल कर बगा के मारी, बोले पकड़ तेरी ईंट मेरे बस की बात नहीं। उसकी माँ हंस पड़ी, नोली बेटा बस चक लिया। नोले माँ हंसे क्या तह, नोली बोले बेटे तू तो कर्जा तारण खतरा आया था रे, थोड़ा यार मान गया। बोले माँ के कहना चाहो से, नोली रे बोले बेटे अरे तू तो 2 घंटे में छक लिया रे, मैंने 9 महीने अपनी कुख में रखा था और सारे घर का काम कराया करती, और कदे न्यू नहीं कहा कि मैंने बोझ लाग रहा था, छोरे की नीची नाड़ होगी। नोली मेरे बच्चे एक बात में शायद रखना, अपने शरीर की चमड़ी उतार कर भी माँ बाप के पाया में जूती बनवा कर डाल दो, जब भी माँ बाप का कर्जा नहीं उतर सकता। सजनो ये कटु सत्य है, आज कलयुग के अंदर माँ बाप की जो दुर्दशा हो रही है शायद और किसी की नहीं हो, जितनी ब्रान माटी एक तो गऊ की और एक माँ बाप की जितनी हो रही ना किसी की नहीं, और फंड इतना चल गया। मैं महीना में 30 दिन हो भाई साहब, 35 जगराते करवाऊंगे लोग, और पूछ के देख ले भाई साहब जागरण में तेरी माँ है। नोला माँ और को मामू प्रलम रंजे दूसरे भाई में है, मैं कुना खेरता मामू ने आ बेतरा बाबू, अरे बटना भाई में होगा, मैं कुना खेरता तू जो तू जगह बोला मैया की जागरण कर। मूर्ख आदमी मेरे द्वारा फोन मत करो, इसे घटिया आदमी, जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं है क्या जगराता करवाओगे, क्यों फंड करो खाम खाई के, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसका होगा। जिस देवी ने तू जमया उसके लिए तेरे घर में खाट की जगह नहीं है, जिस माँ बाप ने तेरे को जन्म दिया उसके लिए तेरे घर में 2 रोटी नहीं है, और देवी ने तू 56 भोग खुआ। देवी ने बोली ला रहा दोनों बेरा को नहीं, एक बात याद रखना, रतन सिंहासन बैठ के मेरी माँ सबका मुद्रा ले, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल दे, उसाए फल मिल सकते को घना इंडी पकदा हो, या सारी जाने से इस तक में छुपया नहीं है के माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस इस कलयुग में 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। बालक छोटे छोटे होंगे आपस में, जड़ बात अच्छी लगे तड़ी तो भूख दियारो के पीछे लाग है, कमाल की बात, हौसला बड़े है तड़ी ने बजा करो जड़ा दमसा लागे। मैं तो दूसरे गणिया डाल तमने दुखी भी कौन करता, बोले ठा लो आधर कर लो नीचे, बोले फिर ठा लो किमें नहीं बढ़ रही ना थम नीचे रखो, ये बकवास की बात हाँ ठंड किमें नहीं होता बकाओ ही सारे नीचे रखो आता ने जड़े दमसा लागो ताड़ी बजा दो नहीं सुन दो ध्यान दे कर सुनना बात ने। मेरे भाइयों बहनों ई 5-7 दिन के बाद कनागत शुरू होंगे, सुनियो भाई मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं इस चीज का विरोध नहीं हूँ, लेकिन मेरा तरीका समझाने का थोड़ा कड़वा उसका है,
बोलूंगा सच्चाई चमरी नार तार लू ईब कनागे तावंगे जुन से बहु छोरे माँ बाप की जात भी नहीं पूछते नहीं अपने सासू ससुर का दौरे भी नहीं बैठते रोटी खुआना तो दूर इतने जिंदा जी जीवंगे ना तनाक चढ़ाऊ मत बांस आओगे न बुढ़ा गए एक दो तीन जी लिखड़ जाएगा बनो थारा मुंह पकूं तारा अग पास निकंदा मैं एक बुढ़ा आदमी का धोती में एक दो तीन जी लिखड़ जाएगा बांस उठे रे कहते उसकी धोती भी नहीं दो और सासू माँ एक गिलास पानी का मांग लो सत्र गाल सुनाएंगे बुढ़ी तेरी रांत नहीं कटती कद मरेगी तू राम तनक कद ठावेगा बेरा नहीं और जब मैं बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे कनाक आऊंगे पांच सात दिन में सारी दुनिया में डेरे पर रोटी के टुकड़े लादती फिरेगी कोई उस पर हलवा लाता गर कोई खीर लाता गा और फिर आवश्यक कागा उड़ता पड़ोसन नु कहगी एक कागा आ गया पड़ते नु कहगी खबरदार है कागा मत कह दिए बोले और कौन सा मेरा सुसरा है यू कागा नहीं है क्या डूब कर मर जाओ तुम कनागत काटन का उसे न कहे मैं भी काटू हूं कनागत लेकिन मैंने जिंदगी भी माँ बाप की सेवा करी है नो नहीं जो जिंदगी माँ बाप ने हलवा खीर नहीं खुआ सकता दो टाइम की रोटी नहीं दे सकता मरे पाछा तम के सोचो कागज में सुसरा बढ़ेगा यु पाखंड है बकवास है खाम खाई के मैं तो सीधा कहूं कनागत जब काटियो जब जिंदगी माँ बाप की सेवा करोगे किसी ने देख लियो सारी दुनिया शाने छोड़े भक्तों तो रलैन लाग रही है आर भगत जानते एक बात कहगा किमें निकलता के कहगा बोले थारे पितर रू शरीर है मेरे ताज लगे लू नहीं समझ मानी है पितरा का नाम पर भकाओ क्यों कर लोग आज सुन लो पितर होता क्या मैं खोल के बताऊंगा लिख लेना इस बात को पितर शब्द पितरी शब्द से बना पितरी का मतलब होता पिता संस्कृत का शब्द और पितर कौन होते हैं पितर होते हैं घर के बड़े बुजुर्ग बड़े बूढ़े दादा दादी माँ बाप इन पितर बोलिया अगर जो जिंदे हैं जिंदे भी पितर हुए हैं मरने के बाद ही पितर नहीं बनता रे जिसके पितर जिंदे जी सुखी हैं मरे पाछे भी उसके पितर सुखी रहेंगे अर्जुन से ये बहु छोरे धक्के खांदे फिरे ना सैने छोड़े दो फिर ये लुटे हैं वह धक्के खांदे फिरे हैं जुन से जिंदे जी माँ बाप की आत्मा दुखाओ फिर मरे पाछे भी दुखी हो वे लोग मेरे भाई बहनों अगर जीते जी माँ बाप की सेवा कर ली माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया लबा मेरी नाड़ तार लो चा गारंटी देता हूँ मरे पाछे भी माँ बाप दुखी नहीं होने देंगे अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा रहेगा गारंटी इस बात में लिख देता हूँ वो आदमी कदे दुखी हो ही नहीं सकता माँ बाप ते दादा दादी तो बड़ा कोई आशीर्वाद को ना लेकिन आज लोग न्यू सोच रहे पितर तो बोले मारा बोले कुआरा मर रहा बोले कोई बोले तेरा चाचा मर रहा फलाना मर पितर ये पितर नहीं होते ये बकाव है पितर होता बड़ा बुजुर्ग उसको पितर बोले जाता जिंदा जी सेवा कर लियो मरे पाछे कोई देख नहीं आंदा और श्राद्ध काटने श्राद्ध भी काटो लेकिन वह लोग काटियो श्राद्ध वह लोग कनागत मनाइयो जिनसे जिंदा जी माँ बाप की इज्जत करे जिनसा माँ बाप ने देख कर राजी नहीं कोई जरूरत नहीं है फंड करने की पहले बताऊं कदे फिर नहीं कहो मैं तो मुंह पर सीधा बोलनी हूं और माँ तो एक ही चीज बताई भाई धरती भाई इन चार बाण भाइया ने पूछ के देख लो जिसके घर जगराता सर ताऊ महेंद्र आज तक छह साल पहले भगवान ने प्यारा हो गया मारी ताई जी जिंदा है आज इस परिवार में मैंने पूछा मैं ताई जी कह बालक सन बोली बेटे चार से दो बेबे हैं दो भाई माँ क्यों कर से ब्यो तो नुबली भाई जी से बालक मेरे ने भगवान सब न दे माँ क्या है नुबली बेटा आज का टीम में भी दोनों भाई शीर महर बाणा का लाड न्यारा है चारों बाण भाई नो एक थाली में रोटी खाना एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ छोटी बात को ना पावे को ना भाई साहब आज एक दूसरे ने देख कर राजी को इतनी शीलत पांदी को नहीं एक माँ की आत्मा जबे शीली हो है जब सारा कुण भाई एक जगह बैठ कर रोटी खावे माँ के भी तरमन्यू होगी कदे तुम्हारी ताई भी नहीं सोचती होगी कि श्याणे तू तो भगवान के पास चलिया गया मेरे पति देव लेकिन मेरी आत्मा तृप्त हाज मेरे बेटे मेरी बेटी सब क्या आले हो गए और देख मैं सुख का टुकड़ा खा रही हूँ और असली माँ असली बेटा बेटी वो है असली बहू बेटे हुए हैं जो एक पति के गुजरने के बाद अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं बेराय अड़पट है बूढ़ापा माँ की ने विधवा लुगाई की सेवा जो करके दिखा दे मैं तो उस नए मानो सलाम करता हूँ और ना तनु कह रहे हैं जिसके मर्जियां बाद सा उनके रुलते फिर वजीर लेकिन देख ले रानी बनाए रख रहा किस आज भी थैला हाथ में दे रखे ले माँ तू है सब में कितना अच्छा लगा भगवान तुमने बनाए रखे मेरे भाइयों अरे भाई इसकी रीस को ना हो जो पेट पाड़ के जाम देगी ना उस पर की माँ कोई हो ही नहीं सकती धर्म की कितनी बना लियो पर उसकी रीस नहीं होगी के पीपल से बढ़कर कोई छा नहीं होती घर जिसमें है मुर्दा उसमें जान नहीं होती यूं तो बन जाते हैं दुनिया में अनेक रिश्ते मगर अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती जो सी जम्मज है ना पेट ते बस उस पर गिरी तक कोई ना हो मैं कई बार माँ के भजन गांधा गांधा खुद रोन लाग जाऊं जो मैंने टेलीविजन में फोन नाम देखा ना बेरा से गन घरे मूर्ख लोग जो मेरे तो जड़े हैं वही कहेंगे बड़ा ड्रामा कर रहा है आह बड़े ढोसड़े कर रहा है बड़े ढोंगर चाहे आंसू गेरे हो रहे अरे मूर्ख मैं तो आंसू गेर रहा हूं मैं तो ड्रामा कर रहा हूं
पर मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, देवी माँ से दुआ करता हूँ, हे माँ इसका घर में कोई ऐसा काम ना करिए, इसके माँ बाप गिल्ले ऐसी कोई कहानी ना करिए जिस तक कल नहीं हूँ ड्रामा इसने भी करना पड़े, किसी के आंसुओं का मजाक ना उड़ाए, आदमी हूँ आंसू को नहीं आंदे रहे, आंसू दो डाल के हों से एक खुशी के और एक दुख के, जे घनी खुशी हो गया आदमी जब भी रो पड़ेगा और भीतर में दर्द सुत्या हो कई भाई इसी बात लाग जा भीतर में जाके कोई बात इसी पिंच हो जा चुप जा आदमी का दर्द जाग उठता रोने लग जाता है। भाई मन मेरी माँ को खोया है 7 साल पहले, वो देवी दुनिया से गई, कई भी मेरे भी छाती चढ़ जा कोने डटा जाता, कोशिश करूं मैं कुछ रुआना हूँ दुनिया ने, रोना रुलाना कोई कला नहीं है, सना सना एक कला है। आइए माँ का बड़ा प्यारा भजन है, एक एक बोल अपने चित्त में धर लियो, लोगो नाचना नहीं है, ताड़ी नहीं बजानी, हाथ नहीं ठाणे, जयकारा नहीं लाना, ध्यान में धरना, खासकर छोटे छोटे बच्चे बैठे बेटा ये आपके लिए गा रहा हूं स्पेशल, आपके पेरेंट्स का कभी दिल नहीं दुखाना आपने, जो मम्मी आपके लिए सुबह टिफिन तैयार करती है कभी उसके आगे नहीं बोलना है, आपके लिए भी है ये जागरण। घनघरे लोग मैंने कहा रामधन तू गावे थोड़ा तू तो भाषण गणे देवे है, भाई मैं पैदा है भाषण देने खातर हो रहा हूं, गाना तो मनांदा है कोनी, और फिर दूसरा मरमेर में के फर्क रह जाएगा भाई, लोग सुने बात खातर, मैं भाषण इसलिए देता हूं, मैं ज्यादा बात इसलिए करता हूं, ये छोटे छोटे बालक बैठे मेरे आगे इनके भजन को निपल पड़ते युगानिया के गावे है, मगर इनके बात सारी समझ में आवे है, और मेरे देश के बालक ठीक हो गए ना कल नहीं जवान हो जाएंगे, मेरे देश का भविष्य सही हो जाएगा, इसलिए मैं बातें ज्यादा करता हूँ ताकि सबकी समझ में आ जाए, मेरा भारतवर्ष तभी सुखी होगा जब बच्चे बच्चे के अंदर संस्कार पनपेंगे। अरे एक और सुन गए भाई, बालक का देवी शिकाण तक को नहीं सीखा है, बालक तो हमेशा देख देख कर सीखेगा, आज तक कोई सा माँ बाप देखा जुन सा अपना बेटा बेटी न्यू कहता बेटा गाल दे दे इसने बूंदा बोलते नहीं से ना, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं देता, फिर भी बच्चे गाली देना क्यों सीख जाते, कभी सोचा तमने नहीं सोचा मन ने सोचा, बच्चे गाली देना इसलिए सीख जाते क्योंकि घर में तुम गाली देते और बच्चा फिर वही सीख है, तम सवेरे उठते बेबे फोन में बड़ोगे तो बालक भी फिर फोन में बढ़ेंगे, फिर थारे तो चश्मे चढ़े चढ़े बालकों के भी इतने मोटे मोटे चढ़ जाए, और फिर तमने सोचो मारा छोरा मास्टर बनागा इंजीनियर डॉक्टर बनागा किमें नहीं बनता वो फोन मेरे जाए फिर, और फिर घबरू हो जाए फोन में ऐड इतनी बूंदियां बच्चा रामायण देख लो उसमें भी बीच में इसी बूंदिया ऐड आ जाए, बालक पर गलत असर पड़ना शुरू हो जाए, किशोरावस्था शुरू होती 13 साल से, 13 से बीच की किशोरावस्था होती, बालक उस टाइम अगर फोन देखेगा तो बुद्धि मड़ंगा है बढ़ेगा और वड़ंगा फिर ईसा हो जाए, हज देख लो फिर गांव गुआंड के बालक आपस में गलत हो जाए, बोले हम तो लव मैरिज कर ली, नाश किरा ये फोन है इससे बचा कर क्या करो अपने बच्चे को, बहुत जरूरी है घर में माहौल ऐसा दें अपने बच्चों को ताकि आने वाली पीढ़ी सही हो सके, अपने हाथ में घन घरे कह दें हमारी मंदा गुण मारा छोरा तेरे में कमीज है, मारा आड्डा आड्डा चाल के दिखाना चार मारू बुद्धि में जड़े, वो माता पिता ही माता पिता नहीं है जो अपने बेटा बेटी ने नहीं धमकाता, टेम टेम पर थप्पड़ चट्टू भी जरूरी है भाई, गणेनू ना सोचा उल्टी सोच जाएगा, वो सोचेगा जबे बचपन से ही अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, जागरण सिर्फ और सिर्फ मैया का नहीं होता, जागरण सिर्फ और सिर्फ बाबा का नहीं होता, जागरण एक सामाजिक कार्य है, कोई समझे तो, या मैया के चाव है या मैया नहीं हो तो चाव है संस्कृति और संस्कार जिंदा रहे, या मैया कद न्यू कह सके गाँव का है छोरा और गाँव की छोरी आपस में ब्याह कर ले मेरा जगराता कराऊ है, चाव है के न्यू बताओ नहीं चाहती, हम इन बातों पर तो विचार करते नहीं, बस मैया आगे खागी नागी धोगी सोगी लोटगी उठगी, इन बातों पर नहीं जाना है, मैया ने सोन की जरूरत नहीं, मैया ने जागरण की जरूरत नहीं है, अटल है अजर है अमर है अविनाशी है, ये तो साक्षात मालिक का रूप है, इसने हम किए सुहावांगे हमें इसके टुकड़े में पड़न लाग रहे, ये ना मनोरंजन के भजन हो है, असली भजन ये होते हैं, ये ध्यान तो सुनियो एक एक बोल जिंदगी में धारण करना कामयाबी मिलेगी। आई मस्त जी आरी री तेरी होती को न्यारी से मेरी माँ जन्म देने आली, कितनी माँ बना लियो धर्म की पर जुन ही जम्म है ना ना भाई वो तो न्यारी हो है, क्या लिखा है आरी री तेरी होती को न्यारी से मेरी माँ जन्म दे